हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। आज हमारे साथ है आर्यन। हेलो गाइस। और ये कैट 23 एस्पिरेंट है, जो 23 में कैट होने वाला है, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आर्यन, आपने किस मंथ में आप शिफ्ट हुए थे यहाँ पर? मैं जनवरी में शिफ्ट हुआ। जनवरी में शिफ्ट हुआ था। तो गाइस, इन्होंने जनवरी में यहाँ पर शिफ्ट हुए और उन्होंने कोचिंग ले रखी है कैट के लिए। तो मैं आर्यन आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है काफी जल्दी आप आ गए, इतना टाइम नहीं चाहिए होता कैट की तैयारी के लिए। मैं ये सोच के आया था कि कैट के लिए आईएम में जाना है तो कम से कम प्रिपरेशन तो अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 17-18 आवर्स तो पढ़ना चाहिए। 17-18 आवर्स आउट 24? सीरियसली? घर वालों ने पढ़ा के भेजा था? ऐसा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता यूपीएससी के लिए भी नहीं चाहिए होता है, पर मुझे ऐसा लगता कि मतलब अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग तो है ही, पर यहाँ पे आकर लगा कि नहीं इतना नहीं है, मतलब इतना नहीं है। चलिए तो गाइस, एक बार हम जरा इनकी एक्सपेक्टेशंस पर नजर डाल लेते हैं कि इनका डे बाय डे शेड्यूल क्या सोच के ये आए थे, एक बार हम उस पर नजर डाल लेते हैं। आइए तो भाई, ये देखा हमने इनकी एक्सपेक्टेशंस की क्या क्या ये सोच के आए थे, क्या इनका शेड्यूल होने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। नहीं हुआ। जो हुआ है, जो रियलिटी है, अब जरा उस पर नजर डाल लेते हैं गाइस। देखा अभी हमने क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या रियलिटी हुआ, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।